इंटरव्यू सीरीज में एक और सवाल सिचुएशनल बेस्ड। इस सवाल में आपसे मान लीजिए पूछा जाता है इंटरव्यू में कि मान लीजिए कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी इंटर्नशिप में या किसी भी तरीके का सेटअप है, वहां पे आपके साथ एक एक्सपर्ट काम कर रहे हैं और काम बार बार डिले होता जा रहा है। वो जो एक्सपर्ट है वो आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करोगे? सबसे पहले गलत जवाब देख लेते हैं कि अगर ठीक है मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ कोई मेरी ही टीम में एक एक्सपर्ट है जो काम ठीक से नहीं कर रहा है या उसी के वजह से बार बार डिले हो रहा है, तो मैं उसे मैनेज करने की कोशिश करूंगा, मैं उसे वार्निंग दूंगा या मैं उसकी शिकायत आके ऊपर उस इशू को ले जाके एस्केलेट कर दूंगा। इस तरह से मैं शिकायत को चैनलाइज कर सकता हूँ। कई लोग आप में से यह जवाब देंगे कि मैं भी तो उस पोजीशन पे हूँ, मेरी भी तो कुछ अथॉरिटी है, मेरी भी तो कुछ नॉलेज है, मेरी एक्सपीरियंस की कुछ रिस्पेक्ट है और मैंने इस तरीके के असाइनमेंट्स में उससे ज्यादा काम किया है, वो जो एक्सपर्ट है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे उस एक्सपर्ट से ज्यादा आता है। तो जब मुझे उस एक्सपर्ट से ज्यादा आता है तो मैं ही डिले कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा या उसे मेरे पास आना चाहिए अगर उसे कोई दिक्कत है तो। अब देखो, इस तरीके के अगर आप जवाब दोगे तो ये सारे के सारे जवाब गलत हो जाते हैं। जहां मुझे पता चलता है कि वो बंदा कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में तो परफेक्ट मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ करेक्शंस कर सकता हूँ, ला सकता हूँ, तो मैंने उस काम को खुद ही कर डाला। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की एड की जरूरत नहीं है। अगर कोई इस काम में मेरी मदद नहीं कर सकता है, भले वो एक्सपर्ट हो तो ठीक है, मुझे भी बहुत सारी चीजों का संज्ञान है, शायद मैं उससे बेहतर जिम्मेदारी को समझता हूँ और इसी वजह से मैंने सारा का सारा जो काम है ना वो खुद ही कर दिया। आपने यहाँ पे किया क्या? आपने कुछ भी सुलझाने की कोशिश नहीं की, आप उनके साथ ही बैठे, उनसे कुछ डिस्कशन नहीं किया, उनकी परेशानी नहीं पूछी, या अगर उन्हें कोई चीज इरिटेट करती है वो भी जानने की कोशिश नहीं की। क्या पता कि उनके पास ऐसा कोई जवाब होता जिससे आपको कोई मदद मिल जाती या कोई आपको क्लू मिल जाता उस असाइनमेंट में जल्दी से जल्दी काम करने के लिए। हो सकता है कि वही आपकी किसी तरीके से मदद कर पाते, आप उनके साथ एक बार बैठते तो सही। अब देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। अब तक तो आप समझ ही चुके हैं कि सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस में जो जवाब है उसमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल रीसेंट 6 महीने या 1 साल पुराना, उससे ज्यादा नहीं आपको अटैच करना है। चाहे आप फ्रेशर है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, जहां का भी कर सकते हैं कर दीजिए, नहीं तो अगर आपके पास वर्क एक्स है तो वहां का कोई एक्सपीरियंस अटैच कर दीजिए अपने डोमेन का, उसको कस्टमाइज करिए। ये जो मैं सही जवाब बताती हूँ इनको इस्तेमाल करिए और अपने प्रोजेक्ट या अपने वर्क एक्स में इसमें थोड़े से ट्वीक्स करके इसको अपनी तरह से कस्टमाइज कर लीजिए। सही जवाब जो आपको इंटरव्यू में से लेकर आ देगा वो ये है कि अगर मुझे पता चलता कि मैं किसी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ और वो कोडिंग का मान लो एक्सपर्ट है, जैसे मेरे पिछले वर्क एक्स में या मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट में हुआ था, जिसमें वो जो एक्सपर्ट था वो काफी रिप्यूटेड था, मुझे पता था कि डिले उन्हीं की तरफ से हो रहा है, मुझे पता था ये जो एक्सपर्ट है वो कोडिंग में दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, तो जाहिर सी बात है कि मैं उनको पिन पॉइंट करके टारगेट नहीं कर सकता था। तो मैंने उन्हें ओवर द कप ऑफ कॉफी इन्वाइट किया, हम लोग गए रेस्टोरेंट में बैठे, हमने बातचीत शुरू की। पहले तो कुछ मिनटों वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड दिखाई दिए, उनके एक्सप्रेशंस और उनके जेस्चर्स से साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज को लाइक नहीं कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैंने बातचीत शुरू की, मैंने पूछा प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, आपको तो एक्सपर्टीज है इस तरह के असाइनमेंट्स करने में, तो क्या क्या कमियां लगती हैं, क्या आपको लगता है ये प्रोजेक्ट हमारा सही समय पे कंप्लीट हो जाएगा, क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से शायद हम इसे अचीव ना कर पाए। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे, जैसे हम मिले थे कॉफी पीनी शुरू की थी, बहुत ज्यादा गुस्से हुए थे, उन्होंने बहुत कुछ बोला लेकिन मैंने सब कुछ स्माइल के साथ सुन लिया। फिर यहाँ से जब उन्होंने जवाब देना शुरू किया कि ये दिक्कतें हैं, मेरे पास बहुत और भी असाइनमेंट्स हैं क्रॉस फंक्शनल डोमेन्स के जिसका भार मेरे ऊपर है और मैं उन पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इस असाइनमेंट में ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि वो और भी क्रॉस फंक्शनल डोमेन्स में जो असाइनमेंट्स है उसमें काम कर रहे हैं साथ साथ, तो मैंने उनसे एक और सवाल किया, अच्छा ये असाइनमेंट्स जो आप दूसरे डोमेन्स के लिए कर रहे हैं किसके अंडर है? तो जब उस एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि इनके अंडर मैं काम कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे इतने सारे क्रॉस फंक्शनल असाइनमेंट्स दे रखे हैं जिसमें से एक आपका भी है, तो मैं लकीली उनको अच्छे तरीके से जानता था, जो उनके बॉस थे जिन्होंने उनको इतने सारे असाइनमेंट्स दे रखे थे, मैं जाके उनसे मिला, मैंने उनको पूरी की पूरी सिचुएशन बताई। यहाँ से मुझे एक चीज पता चली इतनी बातचीत करने से, उन्हें कॉफी पे बुलाने से, कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के डिले कर रहे हैं, प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम ये है कि उनके ऊपर इतना सारा काम है
और शायद वो उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ना कुछ तो है। मैंने उनके समक्ष सारी की सारी बातें रखी, सिचुएशंस रखी कि ये जो हमारा असाइनमेंट है इसका डेडलाइन डेट बहुत नज़दीक है, एवर्स में ये जो बाकी असाइनमेंट्स हैं जो आपने उनको दे रखे हैं अगर हम इस तरह से इसकी प्रायोरिटी शेड्यूल करें तो तकरीबन एक हफ्ता हम बाकी असाइनमेंट्स को साइट कर सकते हैं। बस उनके बॉस को क्या कहना था, वो मान गए और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए और आज तक बहुत अच्छे दोस्त थे। देखो ये जो जवाब है ना ये एकदम सही जवाब है, और अगर मैंने इस तरह से सिचुएशन को सॉल्व नहीं किया होता तो हमारी जो एप्लीकेशन है बिना उनके कोडिंग के नहीं बन पाई होती समय पे। इस जवाब को आप थोड़ा बहुत इधर उधर से ट्वीक कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में, और ज्यादा अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो तो आओ मेरे साथ सेशन बुक करो, टॉपिक लिखो, मुझे व्हाट्सएप करो, मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सरकारी सेटअप हो, एनजीओ हो, प्राइवेट कंपनी हो, मल्टीनेशनल हो, ग्लोबल हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके ट्रेनिंग देने के लिए आऊं ऑनलाइन मोड के जरिए तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com। मैं वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगी, आप मेरे पुराने वीडियोस में भी मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा फोन नंबर देख सकते हैं।